आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि आज से चालू है, तो आप सभी को पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज नवरात्रि है तो आज सब कई लोगों का फास्ट भी होगा, मेरा भी फास्ट है, तो मैं पूरे 9 दिन नहीं रखती हूँ और आज रखा है, पहला दिन है और अष्टमी वाले दिन रखूँगी। नवरात्रि पूरे 9 दिन नहीं रखती हूँ। और कौन कौन 9 दिन रखता है बताना ज़रूर, 9 दिन कौन कौन रखने वाला है भाई? मेरे पास काम बहुत है तो मैं तो नहीं रख पाऊँगी पूरे 9 दिन। तो आज मैंने अभी हेयर वॉश किया, पूजा वगैरह हो गई है, सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, तब आप लोगों से बात कर रही हूँ। और हेयर वॉश करने के बाद फिर मैंने पूजा में हम लोग यही वाला सिंदूर लगाते हैं गाइस, पीला कलर का है, तो कई लोग जानते होंगे, तो यही वाला हम लोगों के यहाँ यही वाला सिंदूर पूजा वगैरह में चलता है। बाकी तो डेली वाले दिन डेली तो मैं रेड ही लगाती हूँ, लेकिन पूजा वगैरह में यही लगाना अच्छा भी लगता है मुझे और यही लगाते भी हैं। तो नवरात्रि है भाई, फास्ट है, तो फास्ट की कोई रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाने। तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने कैसे बनाई है आप लोग देखिए। अभी तो मैं भिगोऊँगी, तो 2 से 3 घंटे के लिए उसको भीगने दूंगी, तो देखिए आप किस तरीके से इसको भिगोना है अच्छे से वॉश करूँ। तो चलिए भाई बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने आने के बाद सीधे साबूदाना भिगोया है और सब लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम करूँगी। और खाने में ज़्यादा नहीं कुछ बनाऊँगी, तहरी वगैरह या खिचड़ी वगैरह बना दूँगी। तो मेरी मम्मी व्रत हैं तो हम लोग तो खाना खाएंगे नहीं, तो ये फास्ट वाला ही खाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। और 2 ही लोग बचेंगे, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी, तो और मेरी बेटी बचेगी। तो इन 3 के लिए देखते हैं क्या बनाएंगे, हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊंगी। वो लोग भी अच्छा खासा सुबह हैवी नाश्ता किए हुए हैं, पराठे खाए थे तो सबका पेट फुल है, तो कोई नहीं खाएगा, सब हल्का ही खाएंगे, तो इसलिए उनके लिए भी हल्का ही बनाऊंगी। और अभी मैं ये साबूदाने को भिगो दूंगी, 3 से 4 घंटे के लिए मैं भिगने दूंगी। और ये सुबह का अभी मेरा 9 बज रहा है, तो आराम से मेरा ये 11, 11:30 बजे तक खूब अच्छे से फूल जाएगा। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा ये साबूदाने मेरे भीग जाएंगे, तो उसे थोड़ा सा मेरे पानी ज़्यादा, ये देखिए मैंने आधा ग्लास पानी लिया है और इसमें भी मैं पानी बचा लूँगी। तो आप लोग, मैं इसे बैक पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ आपको, देखिए इतना मैंने पानी डाला है, इतने ही पानी में इसको भीगने दूंगी। और आज सोचा कि नवरात्रि है तो इसको ये भीग रहा है जब तक, तब तक कुछ काम किया जाए। काम क्या करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ अपने पैरों में महावर। तो देखिए किस किस को अच्छा लगता है, कौन कौन लगाता है, तो बताना ज़रूर भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पैरों में महावर लगाना। और बस तो इसको लगाने के बाद, और आज मेरे घर में कोई आने वाला है, और आप लोग जो आएगा ना आप लोग देखिएगा उस आने के बाद मेरी खुशी जो आपने अभी तक कभी नहीं देखी होगी मेरी वीडियोस में, तो मैं आज बहुत खुश हो जाऊंगी उनके आने से, देखिएगा ज़रूर। तो वीडियो के लास्ट में है तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। और अभी मैं साबूदाना बनाने जा रही हूँ, मेरे साबूदाने भीग गए हैं देखिए अच्छे से, तो मैंने इसे पहले उंगली से दबा कर देखा कि हाँ भीग गया है। तो फिर मैंने यहाँ कढ़ाई पे मैंने घी चढ़ा दिया है, गर्म हो गया है, तो उसमें मैंने ज़ीरा और हरी मिर्च डाली है, और ये मेरा तड़का लग गया। तो फिर मैंने यहाँ आलू काट रखे थे, तो गाइस आवाज़ बाहर से आ रही है तो उसको माइंड मत करना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अगर इसमें आए आवाज़ तो रिकॉर्ड हो जाए, तो क्योंकि रोड पर है मकान तो थोड़ा सा बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं। और यहाँ पे आलू को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और ये है मैंने मूंगफली ली है, तो मेरे आलू अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैंने उसके बाद मूंगफली को ऐड किया है। थोड़ी देर भुनने के बाद बस मैं इसमें साबूदाना ऐड कर दूँगी, और साबूदाने को भी अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें जो व्रत वाला नमक होता है सीधा नमक वो डाला है, और मैं यहाँ नींबू, एक नींबू का रस लिया है मैंने,
इसको भी अच्छे से, इससे क्या नींबू के रस से थोड़ा सा चिपकता भी कम है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और आप लोग चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि व्रत में टमाटर खाया जाता है, तो जो लोग खाते हैं तो वो लोग डाल सकते हैं टमाटर। तो मेरी साबुदाने की खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई गाइस, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये देखिए खिचड़ी मैंने निकाल ली है सर्व करने के लिए यहाँ पे, और कितनी बढ़िया खिचड़ी बनी है, चिपकी भी नहीं है, बहुत अच्छी बनी है, बनी थी भाई, खाई थी हमने तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी तो बताना ज़रूर मुझे। और अभी इसके बाद मेरे घर पे कोई आ रहा है तो आप लोग भाई वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी मेरे फैमिली से मिल पाएंगे, जिससे भी मैं मिलवाना चाहती हूँ भाई। तो देखना मेरे घर में कौन आया है आज। हाय फ्रेंड्स, सो फिर अभी मेरी खिचड़ी बन गई है और तो मैं आप लोगों से अभी किसी से मिलवाती हूँ। तो आइए देखिए मेरे घर में कौन आया, एक नन्ही सी परी आई है, ये देखिए ये छो रही है, जग गई। और ये है मेरी भाभी, मेरी भाभी से मिलिए, हाय करिए भाभी। और नव्या हाय करो तुम भी। तो बस गाइस मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी मैं वीडियो का एंड करूँगी। और उस समय मेरी भाभी आ गई थी तो मैं बात नहीं कर पाई आप लोगों से ज़्यादा, और मुझे भी नहीं पता था, सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो अच्छा लगता है ना कोई मायके से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी उन लोगों से बातों में समय बीत गया, पता नहीं चला, अभी रात हो गई है। तो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ गाइज। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फिर बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।